डायबिटीज 3 तरह की होती है। कौन कौन सी डायबिटीज होती है सर? 3 तरह की। पहला टाइप 1 डायबिटीज, या इसको पूरा बोलते हैं IDDM बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। IDDM जो है ना ये होती है बच्चों को, या टाइप 1 जो होती है ये होती है बच्चों को, छोटे बच्चों को। और इसमें इंसुलिन के इंजेक्शन लगना अनिवार्य होते हैं, वो लगते ही लगते हैं सर। तो इनको हम लोग न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम नहीं देंगे, क्योंकि इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं, बच्चा है, कंडीशन कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है, अपने को वो पंगा लेना ही नहीं है, ठीक है सर। इसके बाद आती है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज जो होती है वो होती है बड़ों, मतलब वयस्कों को होती है। और टाइप 2 डायबिटीज में टैबलेट भी खाई जाती है, और अगर कंडीशन थोड़ी ज्यादा खराब हो जाए तो कुछ दिनों के लिए इंसुलिन भी लगाया जाता है। इसमें हम दवाई के साथ साथ या इंसुलिन के साथ साथ न्यूट्रीचाग्लिसिन दे सकते, बिल्कुल दे सकते। और तीसरी तरह की डायबिटीज होती है, उसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज का मतलब होता है जो शुगर गर्भवती महिला को होती है, कई बार हो जाती है, मतलब 10-15 हजार केसेस में से 1-2 केसेस ऐसे होते हैं जब एक महिला गर्भ अवस्था में होती है उसको शुगर हो जाती है। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, महिला की डिलीवरी हो जाती है, वो शुगर नॉर्मल हो जाती है ऑटोमेटिकली, नॉर्मल हो जाती है। सबसे ज्यादा मात्रा में अगर डायबिटीज कहीं पर है तो टाइप 2 डायबिटीज है।